हम बात कर रहे हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ की। अगर आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फ़िलहाल हमको छोटा मोटा अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है, साइडवेज कह सकते हैं। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 211.95 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया, लगातार बड़ी तेज़ी हमको रिफेक्स में देखने के लिए मिली थी। 200 के लेवल का ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला। हमने हालांकि 200 तक के टारगेट को डिस्कस किए थे, लेकिन बड़ी बाइंग के साथ स्टॉक ने 200 के लेवल को ब्रेकआउट किया। 224 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया, वहाँ से अगेन स्टॉक में छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक 200 के ऊपर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। और चार्ट पैटर्न पर देखकर एक बात नोटिस कर लो दोस्तों, जो कि पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है हमारे लिए, कि जो पिलर्स यहाँ इंटर हुए, जिन्होंने इतने ऊपर लेकर गए इसको, स्टॉक को 224 तक का जंप दिखाया, ऑलमोस्ट 155 के लेवल से। इतने बड़े जंप के बाद भी क्या हमको यहाँ उतना बड़ा सेलिंग स्टॉक दिखा रहा है? स्टॉक सेलिंग दिखा नहीं रहा है, अपने हाई के आसपास ही स्टॉक सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 200 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक गिरावट दिखाता है तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 208 का लेवल, और तगड़ा सपोर्ट रहेगा 200 का लेवल। अगर लंबे टाइम फ्रेम है आपका, तो वैसे कंडीशन में 180 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। 180 का लेवल इसके लिए फिर मेजर सपोर्ट रहेगा, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमको लगातार तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है। तो अब स्टॉक ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। अब टारगेट की अगर यहाँ से बात करें, जहाँ स्टॉक ट्रेड हो रहा है वहाँ से टारगेट की बात करें, तो 220 इमीडिएट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 224, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, लेकिन इसका भी स्टॉक ब्रेकआउट दिखा सकता है। क्योंकि जैसा अब भी हमने चार्ट पैटर्न पर देखा कि जो पिलर्स यहाँ इंटर हुए वो इस लेवल में बने हुए, अब तक बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला, यानी यहाँ अब भी बड़ा होने की, कुछ बड़ा और होने की उम्मीदें बनी हुई है। इस वजह से बड़े पिलर्स एग्जिट नहीं कर रहे, तो यहाँ से और बड़े टारगेट दिखा सकता है। 224 के लेवल पर नज़रें रहेगी, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 230 और इस बाउंस बैक के साथ फिर 240 तक का जंप रिफ्लेक्स दिखा सकते हैं। रिफ्लेक्स में अब हमको 240 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।